दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने रोहिणी स्थित जापानी पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से लूट के 5 लाख से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान बागपत निवासी विजेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ने 13 अप्रैल 2022 को अपने दो साथियों की मदद से 15 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया था, जिसके बाद से तीनों आरोपी फरार थे। ऑपरेशन सेल रोहिणी जिला की टीम ने 100 से ज्यादा लोगों की कॉल डिटेल और 100 से अधिक कैमरा फुटेज खंगालने के बाद आरोपी सतपाल को कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था। उससे मिले सुराग के बाद विजेंद्र की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। उसके खिलाफ पहले भी लूट के 4 मामले दर्ज हैं।